चक्कर्स आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना न्यू यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ एंड वीडियो के एंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों, मैंने अपना चैनल कैसे बनाया था यूट्यूब पर और जो बाकी यूट्यूबर हैं उन्होंने पहली बार अपना चैनल कैसे बनाया था, फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर आपको यूट्यूब चैनल से रिलेटेड अपडेट्स और नई न्यू वीडियोज़ मिलती रहती है। चलिए फिर आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं जाता हूँ अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर, फिर दोस्तों वहाँ से जाकर के आपको बताऊँगा कि मोबाइल फ़ोन से कैसे आपको अपना यूट्यूब चैनल बनाना, ठीक है ना दोस्तों। जो तरीका मैं आपको बताऊँगा तो इस तरीके से आप लोग दोनों ही चीज़ों में अपना चैनल बना सकते हैं, चाहे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप यूज़ करते हैं। चलिए मैं चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आना है क्रोम ब्राउज़र पर, और यहाँ आने के बाद इसे डेस्कटॉप साइड पर खोलना है यहाँ से, और इस तरह से पेज आपको देखने को मिलेगा। तो करना क्या है आपको, इसे यहाँ से न्यू टैब पर आपको ओपन करना है, और न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको यूट्यूब का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है youtube.com। और ये youtube.com सर्च करने के बाद आपको इस तरह से पेज देखने को मिलेगा। आपको एक बार फिर से इसे डेस्कटॉप साइट पर चेक कर लेना है खुला कि नहीं। तो यहाँ पर मेरा बंद हो चुका, तो फिर से इसे मैं खोल लूँगा। और इसे खोलने के बाद यहाँ ये लोगो दिखता है, आपको इस लोगो पर जाना है, और इस लोगो पर जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट अ चैनल, तो आपको इस पर ओके कर देना है। और यहाँ ओके करने के बाद इस तरह से पेज आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर टैप करके आपको अपना चैनल का नाम रख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा चैनल का नाम यही है, और मैं यहाँ पर कुछ भी रख सकता हूँ दोस्तों, चेंज करके रामकिशन, और यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ ब्लॉग्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने चैनल का नाम चेंज करके सिंपल इस पर क्रिएट अ चैनल पर ओके कर देना है। दोस्तों, आपका चैनल बन चुका। जो आपको करना क्या है, ये कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन है, इस पर ओके करना है। और ओके करने के बाद आपको इस तरह से पेज देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर सिंपली क्लोज क्लोज कर देना है। और इसके बाद जो ये बेसिक इन्फो है, आपको इस पर आना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये लेआउट, और ये ब्रांडिंग, और ये बेसिक इन्फो, आपको इस पर ओके करना है। और ओके करने के बाद यहाँ पर आप लोग डिस्क्रिप्शन डाल देंगे कि आपका चैनल किस टॉपिक पर है, यानी कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं। वीडियो यहाँ पर आपको डेली एक नया ब्लॉग वीडियो मिलेगा, ओके। और सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर इतना करने के बाद यहाँ ब्रांडिंग पर आना है, और ब्रांडिंग पर आने के बाद यहाँ पर आपको अपनी एक फ़ोटो अपलोड करना है, या फिर दोस्तों आप लोग लोगो बना सकते हैं। अब लोगो कैसे बनाते हैं उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैनर लिखा हुआ है। तो चैनल का बैनर कैसे बनाते हैं उसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे चैनल आर्ट बनाते हैं, कि चैनल बैनर कैसे बनाते हैं और कैसे सेट करते हैं। और ये दोस्तों तीनों चीज़ों के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर पब्लिश कर देना है। अब यहाँ पर नीचे देख सकते हैं यहाँ एक सेटिंग का ऑप्शन है, तो इस सेटिंग के ऑप्शन पर जाना है। और सेटिंग के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको कुछ ऐसा पेज देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जनरल है, और यहाँ पर आपको चैनल पर आना है। पहले तो यहाँ पर आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेना है अपनी, कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ इंडिया, और यहाँ पर दोस्तों कीवर्ड आप लिख सकते हैं कि आपका चैनल जो है किस टॉपिक पर है। तो ब्लॉग चैनल, या फिर दोस्तों आप लोग को यहाँ पर अपने चैनल का नाम भी लिख देना है जो। और इस तरह से लिखने के बाद अब आ जाना है यहाँ पर सेव, नीचे देख सकते हैं सेव का ऑप्शन है, तो सेव कर देना है। एडवांस सेटिंग पर आपको अभी कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको आ जाना फीचर एलिजिबिलिटी पर। और यहाँ आने के बाद यहाँ आपको देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फीचर्स हैं, तो ये इनेबल्ड है। और यहाँ पर आपको करना क्या है, तो फ्रेंड्स जो ये दूसरा ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक करके और नीचे आना है। और दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है चैनल की, ठीक है ना।
तो आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना होता है। तो अब दोस्तों वेरीफाई क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप लोग अपने चैनल को वेरीफाई नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग अपने वीडियोस पर थंबनेल नहीं लगा पाएंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये दोस्तों थंबनेल होता है, यानी कि जो वीडियो के ऊपर फोटो लगी रहती है, आपने कई लोगों के वीडियो पर देखा होगा। तो फ्रेंड्स वो फोटो केवल देखने के लिए होती है और वीडियो के अंदर दूसरा ही होता है। जो दूसरा बेनिफिट होता है चैनल वेरीफाई करने का, वो ये होता है कि यदि आप लोग 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करना चाहते हैं तो आप लोग अपलोड कर सकते हैं यदि आपका चैनल वेरीफाई हो गया है। और दोस्तों यदि आपका चैनल वेरीफाई नहीं हुआ है तो आप लोग अपने चैनल पर 15 मिनट से अधिक लंबा वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। और वैसे दोस्तों चैनल वेरीफाई करने के और भी बेनिफिट होते हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन पर लिख दूंगा। वेरीफाई फोन नंबर, तो इस पर मैं ओके करता हूँ। और ओके करने के बाद कुछ इस तरह से आपको पेज देखने को मिलेगा। अब यदि आप लोग मैसेज के थ्रू ओटीपी लेना चाहते हैं तो मैसेज के लिए यही वाला ऑप्शन है। और यदि आप लोग कॉल के थ्रू, यानी कि आपको फ़ोन आए और ओटीपी बताए, तो आपको इस पर ओके कर देना है। तो फिलहाल मैं इसे टेस्ट मी द वेरीफिकेशन कोड पर ओके रहने देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। और यदि आपकी यहाँ भी कंट्री सिलेक्ट नहीं, तो आपको यहाँ भी अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। मेरा ऑलरेडी कंट्री सिलेक्ट है इंडिया, और यहाँ पर मैं नंबर डाल लेता हूँ जल्दी से। और नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर गेट कोड पर ओके कर देना है। और गेट कोड पर ओके करने के बाद तो इस पेज को आपको डायरेक्ट काट देना है, बैक नहीं करना है, और आना है अपने मैसेज वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोड आया हुआ है, तो 75 26 74। अब दोस्तों आपको फिर से वहीं पर जाना है ऐसे करके, तो 75, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओटीपी 75 26 74, और यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद कांग्रेचुलेशन, योर फ़ोन नंबर हैज़ नाउ बीन वेरीफाइड, ओके। और आपको करना क्या है, अब इस पेज को काट देना है। अब दोस्तों इस पेज को काट करने के बाद डायरेक्टली अब आपका चैनल बन चुका है, ठीक है ना। अब आपको वीडियो कैसे अपलोड करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो अपलोड करने के दो तरीके होते हैं बेसिकली, तो यह मैं यूट्यूब से बता देता हूँ कि यूट्यूब से वीडियो कैसे अपलोड करते हैं। और यदि आप लोग क्रोम ब्राउज़र से वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन पर मैं उस वीडियो की लिंक दे दूँगा। तो फ्रेंड्स आपको नीचे की तरफ ये प्लस का ऑप्शन दिखता है, तो इस प्लस के ऑप्शन पर ओके करना है। और यहाँ पर अपलोड वीडियो का ऑप्शन है, तो इस पर ओके करना है, और यहाँ पर आपके सही वीडियो आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कोई ही वीडियो ले लेता हूँ अपना, तो मैं इसको ले लेता हूँ, 3 मिनट का वीडियो है ये। तो हेलो फ्रेंड्स, आज किसी नए वीडियो में एक बार फिर, और यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। और यहाँ पर आपको टाइटल लिखना है कि आपका वीडियो के बारे में, मतलब कि वीडियो के अंदर आपके क्या है। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, कैसे बनाए, ठीक है ना। और फिर दोस्तों यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर ओके करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपको अपने वीडियो के बारे में सब कुछ भर देना है, और जो कि आपने वीडियो के अंदर बताया हुआ है वो सब कुछ। और यहाँ पर यदि आप किसी नेक्स्ट वीडियो की अपनी लिंक विंक डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन पर लिंक कैसे डालते हैं इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे दी है, ठीक है ना। तो यहाँ से फिलहाल मैं बैक आता हूँ, और बैक आने के बाद ये ऑप्शन है अनलिस्टेड का, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस ऑप्शन को आपको पब्लिक कर देना है, और पब्लिक करने के बाद बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करने के बाद इस तरह से पेज देखने को मिलेगा। फिर यदि आपका कंटेंट बच्चों के लिए है तो आपको ये ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये वाला। और यदि आप बच्चों के लिए कोई कार्टून वगैरह, कॉमेडी वगैरह नहीं बनाते हैं, स्टोरी वगैरह, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके रखना है, जैसे कि अभी मैंने सेलेक्ट कर रखा, ठीक है ना। और यहाँ पर एज रिस्ट्रिक्शन का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर यदि आपका कंटेंट 18 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए है तो आपको ये वाला ऑप्शन करना है। और यदि आपका वीडियो 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए है तो आपको नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर सिंपली आपको अपलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और अब आपको कैसे दिखेगा कि आपका वीडियो अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये ऑप्शन है नीचे की तरफ कोने में, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ योर वीडियोज़ पर आना है, और योर वीडियोज़ पर आने के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपका जो वीडियो है वो अपलोड हो रहा है, ठीक है ना। फ्रेंड्स वीडियो के एंड में आपको कहना चाहूँगा कि एक वीडियो और है जिस पर मैंने यूट्यूब से जुड़ी
खास खास सेटिंग बताई हैं। और दोस्तों उन सेटिंग्स को भी करना होता है, और यदि दोस्तों उन सेटिंग्स को आप कर लेते हैं तो आपका चैनल जल्दी से ग्रो होता है, आपके सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ते हैं और आपके वीडियोज़ रैंक करते हैं, ठीक है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा कि तो फ्रेंड्स आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।